Hello students, today I am going to explain next topic of the chapter 12, our country. Now today's topic is India, a country of diversity, यानी भारत एक विविधताओं का देश. India कैसी country है? A country of diversity, जो diverse होते हुए भी क्या है? Unite है. First topic is language, यानी भाषा. Many languages are spoken in India. भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. 22 languages are recognized by the Constitution of India as national language. और भारत के संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है. यानी 22 language जो है वो हमारे संविधान द्वारा recognized हैं. यानी वो हमारी national languages हैं. Hindi, Bengali, Telugu, Marathi and Tamil are some of the popular languages in our country. और हमारे देश में कुछ popular languages हैं, जैसे कि Hindi, Bengali, Telugu, Marathi and Tamil. Now the next is food. There are various kinds of crops grow in India. There are various kinds of crops grown in India. भारत में बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं. Different states grow different kinds of crops. और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं. Indian food is a famous for its spices and herbs. और इंडियन फूड किस लिए फेमस है? अपने स्पाइसेस के लिए और हर्ब्स के लिए, यानी मसालों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. पूरे वर्ल्ड में इंडियन फूड जो है अपने स्पाइसेस मसालों के लिए फेमस है, साथ ही हर्ब्स के लिए, जिसको कि हम जड़ी बूटियाँ कहते हैं. सम ऑफ द कॉमनली यूज स्पाइसेस आर चिलीज, टर्मरिक, कार्डमम, क्लॉव्स, क्यूमिन सीड, पेपर, सिनेमन, जिंजर एंड गार्लिक. और कुछ कॉमनली स्पाइसेस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो क्या है? चिलीज यानी लाल मिर्च, हल्दी, लौंग, इलायची, जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, लहसुन, ये सब हम जनरली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. इन मसालों का हम यूज़ करते हैं. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स यूनिक कुजीन दैट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. और भारत के हर स्टेट का अपना एक फेमस कुजीन है, जिस जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है. यानी हर स्टेट का एक अपना कुजीन है जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है. इफ़ यू गो टू द साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, अगर आप हमारे देश के साउदर्न पार्ट यानी दक्षिणी हिस्से में जाएंगे, यू कैन हैव सॉफ्ट एंड डिलीशियस वड़ा, चटनी, इडली, डोसा एंड सांभर. तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा? सॉफ्ट एंड डिलीशियस यानी बहुत ही मुलायम और स्वादिष्ट वड़ा, चटनी, इडली, डोसा और सांभर मिलेगा. एंड इफ़ यू गो टू द नॉर्थ इंडिया, और आप उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल बी सर्व्ड विद स्पाइसी फूड. तो आपको स्पाइसी फूड मिलेगा यानी तीखा खाना मिलेगा, जैसे कि राजमा, छोले, भटूरे, पराठास एंड मेनी माउथ वाटरिंग स्वीट. और बहुत सारे मुँह में पानी दिलाने वाले मिठाइयाँ आपको मिलेंगी. कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में. ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी द फूड फ्रॉम साउथ इंडिया एंड फूड फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, और आप डिफरेंस खुद पता कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोदिंग. पीपल ऑल ओवर इंडिया वियर क्लोथ अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, रीजन एंड ओकेजन. तो पूरे भारत में लोग जो है सीजन के अकॉर्डिंग यानी ऋतुओं के अनुसार, रीजन यानी क्षेत्र के अनुसार, और ओकेजन यानी जो भी आयोजन है उसके अनुसार कपड़े पहनते हैं. दैट इज़ वाई क्लोथ्स वॉर्न इन कश्मीर आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लोथ्स वॉर्न इन तमिलनाडु. इसीलिए जिस टाइप के क्लोथ्स कश्मीर में पहने जाते हैं उससे एकदम उल्टा तमिलनाडु के लोग जो है वो पहनते हैं. यानी अलग अलग स्टेट, अलग अलग रीजन के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कश्मीर में ठंड है, पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ का ड्रेस जो है अलग है, वहाँ की क्लोथिंग अलग है,
और तमिलनाडु जो है साउदर्न पार्ट में, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ का क्लोथिंग जो है अलग है। सम ऑफ द क्लोथ्स इन इंडिया आर फिरन, साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, वेस्ती, मुंडू, अंगरखा, ट्राउजर, शर्ट एंड जीन्स। और इंडिया में कुछ जो कपड़े पहने जाते हैं जिनको बोला जाता है फिरन, साड़ी, सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, वेस्ती, मुंडू, यानी अलग अलग स्टेट में इन क्लोथ्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मीन्स ऑब्जेक्ट मेड बाय हैंड्स, जिसको हस्तशिल्प भी कहा जाता है, यानी जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती हैं। डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स मेड बाय हैंड्स आर कॉल्ड हैंडीक्राफ्ट, यानी जो भी डेकोरेटिव आइटम यानी सजावटी सामान हाथों से बनाए जाते हैं उनको हैंडीक्राफ्ट कहा जाता है। इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस है। हैंडीक्राफ्ट सच एज अर्दन पॉट्स, ज्वेलरी मेड ऑफ बीड्स, बैम्बू बास्केट्स एंड टॉयज एज वेल एज टेराकोटा डेकोरेटिव आइटम्स आर वेरी पॉपुलर। और हैंडीक्राफ्ट जैसे कि अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी मेड ऑफ बीड्स यानी मोतियों से बने हुए ज्वेलरी, बैम्बू बास्केट बास्के, टोकरियाँ, टॉयज यानी खिलौने, साथ ही साथ टेराकोटा डेकोरेटिव टेराकोटा के डेकोरेटिव आइटम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। डिफरेंट इंडियन स्टेट्स आर फेमस फॉर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, यानी इंडिया के अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट और स्टाइल्स के लिए फेमस हैं। सच एज बैम्बू हैंडीक्राफ्ट फॉर आसाम, यानी आसाम किस लिए फेमस है, बांस के सामान, बांस के डेकोरेटिव आइटम के लिए फेमस है। एंड ब्रास हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम राजस्थान एंड मेनी मोर, साथ ही ब्रास के लिए कौन फेमस है, राजस्थान जो है ब्रास के डेकोरेटिव आइटम के लिए फेमस है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। म्यूजिक यानी संगीत जिसको हम बोलते हैं, म्यूजिक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी म्यूजिक जो है हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड, और जो भारत का शास्त्रीय संगीत है जिसको कि क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हिंदुस्तानी म्यूजिक इज़ पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया, और जो नॉर्थ इंडिया है यानी हमारा उत्तर भारत जो है वहाँ पर कौन सा म्यूजिक फेमस है, हिंदुस्तानी म्यूजिक, यानी क्लासिकल के साथ साथ क्या है वो जिसमें हिंदी का यूज़ होता है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक। एंड कार्नेटिक म्यूज़िक इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में कार्नेटिक म्यूज़िक फेमस है। सम ऑफ द कॉमन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर तबला, फ्लूट, संतूर, ढोलक, सितार एंड शहनाई। और कुछ कॉमनली इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं यानी जिनको हम जानते हैं वो क्या है, तबला है, फ्लूट यानी बांसुरी है, संतूर है, ढोलक, सितार और शहनाई। You can see these instruments in this picture. Okay. Now next is dance forms. Dance forms in India are of two types. India में two types के dance forms पाए जाते हैं. First classical dance and second is folk dance. यानी शास्त्रीय संगीत और लोक नृत्य. क्लासिकल डांस फॉर्म्स आर कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम एंड ओडिसी। तो कुछ क्लासिकल डांस जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो कौन कौन से हैं, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम एंड ओडिसी। फोक डांस, फोक डांस फॉर्म्स आर परफॉर्म बाई पीपल ऑन वेरियस ओकेजन्स सच एज फेस्टिवल और इन द बिगनिंग ऑफ अ न्यू सीजन। तो जो फोक डांस है वो नॉर्मली जो पीपल है, लोग हैं, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि कोई ओकेजन हो, जैसे कोई फेस्टिवल हो या न्यू सीजन नया साल आने वाला हो, तो लोग जो है डांस फॉर्म के थ्रू अपनी
तो पीपल जो है वो डांस फॉर्म के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपने जॉय को एक्सप्रेस करते हैं। भांगड़ा एंड गिद्दा ऑफ पंजाब, तो फोक डांस पंजाब के जो फोक डांस है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि भांगड़ा और गिद्दा हैं। साथ ही डांडिया एंड गरबा ऑफ गुजरात, गुजरात के फोक डांस हैं डांडिया और गरबा। एंड वॉरियर्स पॉपुलर फोक डांस फॉर्म, और भी बहुत सारे अलग अलग स्टेट के फोक डांस फॉर्म्स हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी पशु और पौधे। वी हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है किसकी, प्लांट्स की भी, साथ ही एनिमल्स की भी, यानी विविधता पाई जाती है। द रॉयल बंगाल टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल, और जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है। एंड लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर, और लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डेडिकेट दिस पोएम टू आवर ब्यूटीफुल कंट्री इंडिया। चलिए इस सुंदर पोएम को अपनी कंट्री इंडिया को डेडिकेट करते हैं। रिसाइट इन कोरस एंड फील प्राउड टू बी एन इंडियन, इसको अपने साथ अपने कोरस में गाइए, यानी मिलके गाइए और फील करिए कि आप एक इंडियन हैं, इस बात पे अपने आपको गर्व महसूस करिए। ओके, नाउ द पोएम इज, वी लव आवर कंट्री, आवर ब्यूटीफुल कंट्री। हम अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी कंट्री कैसी, बहुत ही ब्यूटीफुल है, विद इट्स माउंटेन रिवर्स एंड सीज। और इसमें क्या क्या है, माउंटेंस हैं, रिवर्स हैं, सीज है। आवर इंडिया आवर मदरलैंड प्राउडली वी से, और हम गर्व से कहते हैं कि हमारा भारत जो है क्या है, हमारी माता है, हमारी जन्मभूमि है। वी विल सर्व यू विद ऑल आवर स्ट्रेंथ, यानी हमारे में जितनी ताकत है उतनी ताकत से हम आपकी सेवा करेंगे। वी लव आवर कंट्री, पीपल ऑफ आवर कंट्री, यानी हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं। एज वन बिग फैमिली ट्रू इंडियंस आर वी ऑल, यानी पूरा इंडिया क्या है, एक बड़ा परिवार है, और हम सारे इंडियन आपस में सच्चा प्यार करते हैं। इन इंडिया वी लिव जॉयफुली, और हम भारत में प्रसन्नता से रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड, नाउ आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, टिल देन गुड बाय।